2022 में 1,00,000 लोगों का हेडक्वार्टर पर मोर्चा ले जाऊंगा आरएसएस के, किसी की औकात नहीं जो रोक ले। 2023 को 5,00,000 लोगों का, 2024 को 7,00,000 लोगों का, 2025 को जब आरएसएस का शताब्दी वर्ष होगा 10,00,000 लोगों का ले जाओ। बहादुर की औलाद होते तो मेरे से बात करते, ऐसा नहीं किया, हॉल कैंसिल करवाए। तब 3.5% ब्राह्मणों को लगा, अब 3.5% के आधार पर हम चुनाव कैसे जीते, कि यदि हम हिंदू मुसलमान का मामला नहीं खड़ा करेंगे तो SC ST OBC के लोग हमारे साइड में खड़े कैसे होंगे। हमारे साइड में तभी खड़े हो सकते हैं जब मामला हिंदू मुसलमान का खड़ा किया जाएगा। ओबीसी का प्रधानमंत्री ओबीसी के ही विरोध में फैसले कर रहा है, तो फैसला करने का अधिकार नरेंद्र मोदी के पास है, कौन कहता है। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग हिंदू मुसलमान का मामला खड़ा किए बगैर 2024 का चुनाव जीत नहीं सकते। अगर उनको जीतना है तो उनके पास हिंदू मुसलमान का मामला खड़ा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं, क्योंकि वो लोगों की मौलिक समस्याओं में से एक भी समस्या का समाधान नहीं कर रहे, एक भी समस्या का समाधान नहीं कर रहे। सेंट्रल गवर्नमेंट में उनके पास बहुत ज्यादा पावर है, मगर किसी समस्या का समाधान होता हुआ दिख नहीं रहा। और 2024 का चुनाव अभी 23 ही बाकी है, तो ये मामला अगर वो खड़ा नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस ले लेते, हिंदू मुसलमान का मामला हम नहीं खड़ा कर रहे, मगर कुछ पत्रकार वो चाहते हैं कि मामला हिंदू मुसलमान का खड़ा, ये तो हम समझ रहे, राजनीति है, ये पत्रकारिता नहीं है, राजनीति है। लेकिन सर जो ये नफरत फैल रही है देश में, इसका कोई कार्ड है किसी के पास में रोक? इन नफरत फैलाने वालों को सड़कों पर निपटना होगा, हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। सड़कों पर कैसे निपटेंगे? लोकतांत्रिक तरीके से सड़कों पर नहीं निपटा जा सकता। सड़क पे जो निकल रहा है वो तो जेल में जा रहा है। कौन? प्रोटेस्टर जितने हैं, बताइए कि सबके खिलाफ FIR हुई है जेल में। FIR वो तो लड़ाई का हिस्सा है ना, FIR मान लो, जैसे मान लो लॉ एंड ऑर्डर का उल्लंघन अगर होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल रोहतक में मेरा कार्यक्रम था DNA परिषद की, तो वहां के ब्राह्मण जो है वो मेरे ऊपर दबाव नहीं डाल सकते, क्योंकि उनको मालूम है डरने वाला आदमी नहीं है, तो मेरे ऊपर नहीं डिपाटा वाला। वो जो हॉल वाला था ना, वो हॉल वालों को दबाव डाल के हॉल कैंसिल करवाया, जहां हमको इकट्ठा होना था हॉल कैंसिल करवाया। अगर वो बहादुर की औलाद होते तो मेरे से बात करते, ऐसा नहीं किया, हॉल कैंसिल करवाया। तो मैंने दिल्ली में कार्यक्रम किया, मैंने वो कार्यक्रम दिल्ली में किया, 13 करोड़ लोगों ने देखा, तो मैंने ब्राह्मणों को धन्यवाद दिया कि तुम मेरा इसी तरह से विरोध करते रहो और हर राज्य में करो, जैसे हरियाणा में किया ना वैसे हर राज्य में करो, तो ज्यादा लोगों तक मेरी आवाज जल्दी पहुंच जाएगी और मेरा काम आसान हो जाएगा। सर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि ये जो जहर है ना, कहीं ना कहीं टीवी जो मीडिया है ना उसकी भी कहीं ना कहीं, ये तो टीवी का मीडिया वालों का नाम लिया उन्होंने, नाम लेके बात किया। मीडिया वाले जब मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है उस विषय पर चर्चा करने की क्या जरूरत है, सुप्रीम कोर्ट का जज बोल रहे हैं, यकीनन उनका सही है, क्यों कर रहे हैं। मीडिया वाले टीवी एंकर कह रहे हैं क्या फिर सिर्फ मौसम की जानकारी दें, हम कितने सारे मामले जो विचाराधीन थे जिस पर बहस होती चली आ रही है शुरू से लेकर अब तक। देखो क्या केवल मौसम का ही विषय है या दूसरा विषय वो जिन्होंने चुना, दूसरे के अलावा कोई तीसरा चौथा पांचवा दसवा देश की समस्याओं का कोई विषय नहीं है। जो लोग कह रहे हैं कि केवल मौसम की ही चर्चा करें, वो मिसलीडिंग कर रहे हैं, लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। समस्याओं की भरमार है देश में, उसके ऊपर चर्चा कराई जा सकती है, मगर टीवी वाले भी, उनको TRP चाहिए, उसके ऊपर विज्ञापन है, विज्ञापन के साथ जुड़ा हुआ मुद्रा वाला मामला है। जुबेर की गिरफ्तारी आपको नहीं लगता कि सर इस समय एकता के बजाय जो शेड्यूल कास्ट है उनको जागरूक करने की जरूरत है कि वो एक पॉलिटिकल पावर बने। 18 साल 4 महीने का था, 65 साल चल रहा है, उसको आप सलाह दे रहे हो ऐसा करना चाहिए, जिंदगी निकल गई यही करते करते, इतना बड़ा संगठन खड़ा किया दिख नहीं रहा, यही तो सवाल है ना सर। देखने के दो नजरिए हैं, एक 10 लोगों का भी आप कवरेज कर सकते हो और 10,000 का भी कवरेज नहीं कर सकते हो, है हो रहा भाई देश में। मैंने लखनऊ में कई 100,000 लोगों को इकट्ठा किया,
रमाबाई मैदान में, कोई अखबार में खबर नहीं भाई, क्या नहीं रिकॉर्डेड है, वीडियो है, खबर ही नहीं है, है इस बात को मानते हो? सर प्रोफेसर रतन लाल जुबेर की गिरफ्तारी होती है, निपुण शर्मा की गिरफ्तारी नहीं होती है। सुप्रीम कोर्ट का जज कह रहा है उसके लिए रेड कारपेट बिछाया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट का जज बोल रहा है उनके लिए रेड कारपेट बिछाया हुआ है। सर जिस जज की आप बात कर रहे हैं उनको टारगेट किया जा रहा है सोशल मीडिया, वो उसने खुद कहा टारगेट किया करके, उसके नाम से तो लग रहा है वो पारसी है। पर सर पहली बार ऐसा हुआ, उसके नाम से लग रहा है वो पारसी है। सर अगर हिंदू होते तो नहीं होता, हिंदू होते जज तो नहीं होता टारगेट। मैं जब आप कहते हो ना हिंदू, तो हिंदू नाम का जो शब्द है ना ये मुसलमानों के आगमन और आक्रमण के साथ भारत में आया है, ये भारतीय शब्द नहीं है। लड़ाई तो इसी शब्द की है सर। ये तो राजनीति में कैसे हुआ, अभी आपको थोड़ा सा आधा मिनट लेकर के बताता हूँ कि ये कैसे हुआ। जैसे 26 जनवरी 1950 को, सुनिए, 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ और हर 21 साल के व्यक्ति को वोट का अधिकार मिला, तब 3.5% ब्राह्मणों को लगा अब 3.5% के आधार पर हम चुनाव कैसे जीते, तब समस्या खड़ी हुई। तब उन्होंने ये सोचा कि यदि हम हिंदू मुसलमान का मामला नहीं खड़ा करेंगे तो एससी एसटी ओबीसी के लोग हमारे साइड में खड़े कैसे होंगे, हमारे साइड में तभी खड़े हो सकते हैं जब मामला हिंदू मुसलमान का खड़ा किया जाएगा। जब मामला हिंदू मुसलमान का खड़ा होगा तो कोई एससी एसटी ओबीसी का आदमी मुसलमान के साथ कैसे खड़ा होगा, वो तो इधर ही होगा। तो एक रणनीति है, अगर वो रणनीति कर रहे हैं तो हम भी तो आंदोलन कर रहे हैं, तो हमें भी तो रणनीति बनाने का अधिकार है। आपकी नहीं मीडिया आपके साथ नहीं तो कैसे लड़ाई लड़ी जाएगी, सरकार आपकी नहीं मीडिया आपके साथ नहीं तो फिर कैसे लड़ाई। सोशल मीडिया ने 13 करोड़ लोगों तक आवाज पहुंचाई, आप लोग है अभी सोशल मीडिया सबसे बड़ा मीडिया हो गया है ऐसा वही लोग बोल रहे, प्रिंट मीडिया वाले बोल रहे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले बोल रहे, और बोल ही नहीं रहे, उनके चैनल को सोशल मीडिया में दिखा रहे, बराबर है मैडम। आप हिंदू की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हिंदू राष्ट्र के लिए जो है मांग की जा रही है, नारे लग रहे हैं। मैं नागपुर से आया हूँ, थोड़ा याद रखो, आरएसएस का हेडक्वार्टर है वहीं से आ रहा हूँ, वहाँ 2022 में 1,00,000 लोगों का हेडक्वार्टर पे मोर्चा ले जाऊंगा आरएसएस के, किसी की औकात नहीं जो रोक ले। 2023 को 5,00,000 लोगों का, 2024 को 7,00,000 लोगों का, 2025 को जब आरएसएस का शताब्दी वर्ष होगा 10,00,000 लोगों का ले जाऊँ। नागपुर का ही हूँ मैं, आरएसएस का हेडक्वार्टर है ना नागपुर का, वहाँ मैं वहीं से आया हूँ, मैं जानता हूँ उनकी क्या है। सुप्रीम कोर्ट हिंदू हिंदू को जगाने की बात, तो मैं यही कह रहा हूँ कि एससी एसटी ओबीसी जाग जाए तो उनकी हवा निकल जाएगी। सर सुप्रीम कोर्ट को, सर देखो संविधान एससी के आधार पर अधिकार दे रहा है, एसटी के आधार पर अधिकार दे रहा है, ओबीसी के आधार पर अधिकार दे रहा है, संविधान में कहाँ लिखा हुआ है हिंदू के आधार पर अधिकार दिया। वो लोग जगाएंगे तभी ना अल्पसंख्यक ब्राह्मण बहुसंख्यक हो जाएगा, तभी तो सत्ता पर काबिज होगा। नरेंद्र मोदी को कौन सा अधिकार आरएसएस के लोगों ने दिया, ओबीसी का? नरेंद्र मोदी ओबीसी की जाति आधारित गिनती कर रहा क्या, जानवरों की गिनती कर रहे हैं, ओबीसी की जाति आधारित गिनती नहीं कर रहे। ओबीसी का प्रधानमंत्री ओबीसी के ही विरोध में फैसले कर रहा है, तो फैसला करने का अधिकार नरेंद्र मोदी के पास है, कौन कहता है? मैं तो नहीं मानता। सुप्रीम कोर्ट का एक ही टिप्पणी आई है नुपुर शर्मा को लेकर, उसी के बाद सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कोठा ट्रेन करने लगा और कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्या ये पता नहीं लगाया जा सकता था, बड़े आराम से पता लगाया? सुप्रीम कोर्ट पहल करके इस पर कार्रवाई कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट के पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है, संविधान में सुप्रीम कोर्ट के पास जांच करने का, अपने लेवल पर जांच करने का भी अधिकार है। होती क्यों नहीं है ये मैं कैसे बता सकता हूँ, होती मगर सर सुप्रीम कोर्ट जब जज को ही, जज की ही बेइज्जती और सुप्रीम कोर्ट की ही बेइज्जती हो रही है तो बचाने का काम मैं कैसे करूँ। मैं तो कह रहा हूँ कि मैं आपके समर्थन में हूँ, मगर संवैधानिक अधिकार आपको है, आप पहल तो करें। सुप्रीम कोर्ट ने तो नुपुर शर्मा को जो है उदयपुर हत्याकांड का दोषी भी बताया, तो फिर उस पर FIR होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने बाद में कहा, पहले मैंने कहा उसको पकड़ो,
तो अभी तक उसकी वजह से बहुत सारे लोग मारे गए। सर उनकी गिरफ्तारी के लिए आपकी पार्टी ने क्या किया? नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी के लिए हम तो चला रहे, नूपुर शर्मा की मांग चल रहा है। सबसे पहले तो मैं ही वीडियो बना के मांग किया। चलिए ठीक है, धन्यवाद।